सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं BGMS के बारे में। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट रिवील हुआ है, फिर कब कब होने वाला है, कंप्लीट डेट आ चुका है, फिर उसके साथ गॉडला का कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट है, आगे बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं BGMS का। यहाँ पे देख सकते हो ये पोस्ट आ चुका है जिसमें फ्यूचर एक्स ई स्पोर्ट्स, मतलब फ्यूचर एक्स जो टीम थी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है रिंगिंग के कारण, क्योंकि ये लोग दो टीम से खेल रहे थे अलग अलग। एंड सरकार गेमिंग जो कि नेक्स्ट टीम थी वो क्वालिफाई कर चुके, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। एंड इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं क्या डेट होने वाला है, तो देख सकते हो अभी जस्ट ये पोस्ट आया, मार्क द डेट्स। सो इस पे यहाँ पे देखोगे तो 19 से स्टार्ट होगा, 19, 20, 21 जो कि ओपनिंग वीक होने वाला है, 24 टीम्स का मैचेस चलेगा। फिर फॉर्मेट अभी कंप्लीट रिवील नहीं हुआ जो कि कल रिवील होगा, बट मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। फिर उसी के साथ 22 से सर्वाइवल वीक स्टार्ट होगा जो कि 28 तक चलेगा, कोई गैप नहीं है। और फिर 29 से 4 तक चलने वाला है डोमिनेशन वीक, और फिर 6-7 को प्लेऑफ्स होगा, और ग्रैंड फाइनल्स 9-10-11 तीन दिन का होगा। अब पहले बता दूं यहाँ पे जो ऑडियंस है वो शायद इस बार नहीं होगी या लिमिटेड ऑडियंस हो सकता है। देख सकते हो यहाँ पे न्यूज़ मिल रहा है कि स्पेशल स्क्रीनिंग हो सकता है ऑडियंस के लिए लास्ट दिन, मतलब ग्रैंड फाइनल्स में हो सकता है, बट उसके पहले नहीं होगा। ऑब्वियसली भाई इतना लंबा इवेंट है भाई, मतलब कितना दिन हो गया, 20 डेज अप्रॉक्स, तो जो भी है भाई यहाँ पे उतना ऑडियंस अलाउ नहीं रहेगा। फाइनल्स में कुछ ऑडियंस हो सकता है, उसके लिए वेट करो यहाँ पे अनाउंसमेंट का। एंड स्ट्रीम कहाँ होगा तो वो देख सकते हो यहाँ पे, ये स्टार स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स 2 दोनों पे होगा फर्स्ट और सेकेंड, एंड यूट्यूब पे, तो आप लोग हिंदी, इंग्लिश और तमिल तीनों लैंग्वेज में देख पाओगे। अब यहाँ पे भाई कुछ फॉर्मेट जो रिवील हुआ है वो बताता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ BGMS ओपनिंग वीक जो कि तीन दिन चलेगा स्टार्टिंग का। टूर्नामेंट किक्स ऑफ विद एन एक्साइटिंग 3 डेज ओपनिंग वीक। आफ्टर 3 डेज द बॉटम 6 टीम विल फेस एलिमिनेशन अनलेस सेव्ड बाय ऑडियंस वोट्स। द रिमेनिंग 18 टीम्स विल एडवांस टू लीग वीक्स। आउट ऑफ बॉटम 6 टीम्स ओनली 2 टीम विल बी सेव्ड बाय वोटिंग, वाइल द अदर 4 विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। फैन फेवरेट टीम्स आर हियर टू स्टे। सो मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो यहाँ पे शुरू का जो 3 दिन चलेगा उसके बाद टॉप 18 टीम्स तो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे, और बॉटम के 6 टीम्स में से वोटिंग होगा, और 2 टीम वोट से यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो बाकी बॉटम की 4 टीम रहेगी वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फैन फेवरेट टीम्स के पास एडवांटेज है, तो वो लोग यहाँ पे रहेंगे। बोल सकते हो हर राउंड में वैसा सिस्टम रहेगा, अभी पूरा फॉर्मेट रिवील नहीं हुआ जो कि कल रिवील हो जाएगा। अब मुझे ये फॉर्मेट थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होने वाला है। वैसे नॉर्विन का टूर्नामेंट है, अनऑफिशियल है, तो उनका रूल रहेगा। आप लोगों को इस चीज़ पे क्या कहना है कमेंट में बताना। खैर उसके बाद यहाँ पे कुछ और पोस्ट आया था नॉर्विन की तरफ से, मतलब भाई अब यहाँ पे ज़्यादातर पोस्ट कर रहे हैं ये लोग, बढ़िया है, अब तो स्टार्ट होने ही वाला है। एंड फिर गॉडला के बारे में बात करते हैं, तो कुछ यहाँ पे एक पोस्ट आया, पहले देखो स्टोरी। तो जैसा आप लोग यहाँ पे देखे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ये कोई बाइक के साथ कोलैब होने वाला है, ये अनाउंसमेंट हम लोग को जल्दी ही मिल जाएगा, और ये कंफर्म हो चुका है। देख सकते हो फिक्सिस ने भी ये डाला था ब्रॉडकास्ट में, सुनने में आया है अब एक और ऑर्ग के नाम पे ब्रांड लगने वाली है। तो आपको पता है सोल के साथ IQ16 जो कि मोबाइल कंपनी है, सो गॉडला का यहाँ पे 2 ही ऑर्ग है इंडिया में, तो गॉडला के साथ भी यहाँ पे कोलैब होने वाला है, और इस बार शायद बाइक का कोई कंपनी होने वाला है। वैसे BGMS में तो TVS राइडर आपको पता है उसका स्पॉन्सर है, हो सकता है कोई और बाइक कंपनी जो कि ये तो स्पॉन्सर है कोलैब होगा, तो भाई मजा आने वाला है। और चलो भाई ये तो कुछ अनाउंसमेंट हो गया, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, कल फॉर्मेट रिवील हो जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा।